ओके दोस्तों, तो अगर आप भी यार एक यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं फुल प्रोफेशनली, तो मैं आज आपको एक माइक सजेस्ट करने वाला हूँ, एक माइक्रोफोन सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि है हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ, जिसका बॉक्स हो चुका है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि इसको मैंने चाइना से इम्पोर्ट करवाया है और काफ़ी इसकी हालत आते आते बुरी हो गई, लेकिन ये माइक मेरे तक जो है खैर खैरियत से पहुंच गया। तो ये माइक अगर आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं या आप किसी भी टाइप की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए फिट रहेगा आपके बजट के अंदर। यानी वैसे तो अगर आप बजट बढ़ाते जाएंगे, अगर आपके पास बजट 1 लाख का है तो ऐसे बात आप उस हिसाब से जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास लो बजट है 10,000 का, 15,000 का, इतना आपके पास बजट है तो ये माइक आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। इस माइक का टेस्ट वेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ट्राई, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस माइक को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको मुझे कितने का पड़ा। मुझे एक्चुअली ये माइक जो है, वैसे इसकी जो प्राइस है, अगर आपको पाकिस्तान में से कहीं से मिल जाता है तो आपको 12-13 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं और किसी के थ्रू इंपोर्ट करवाते हैं तो फिर आपको ये तकरीबन 17-18 हज़ार, और अगर आप खुद इंपोर्ट करवाते हैं 14-15 हज़ार में आपको पड़ जाएगा। तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे ये माइक्रोफोन जो है मतलब कितने तक आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल जाते हैं और किस तरह हमने इसे किसी भी, और हाँ यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि ये USB है इसके साथ, उसके साथ अटैच होता है। इसमें आपको जो नॉर्मल माइक्रोफोन्स के साथ जो जैक होता है वो नहीं मिलता, बल्कि इसमें आपको USB केबल मिलती है जो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं अपने PC के साथ, अपने लैपटॉप के साथ। जी हाँ, और इसके साथ आपको और भी कुछ कंपोनेंट्स अगर आप चाहें तो उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग के लिए बहुत अच्छा है अगर आप YouTube पे स्ट्रीमिंग करते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्ट्रीमिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, कल मैंने स्ट्रीम की थी, 2 गेम्स लगाई मैंने ऐसे बस जस्ट, कल टेस्ट स्ट्रीम की थी, आज से इंशाल्लाह या कल सुबह से हम मुकम्मल तौर पर इसको स्ट्रीम करेंगे। तो मैं स्टोरी डाल दूंगा YouTube के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, उसमें कम्युनिटी टैब में भी और इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूंगा स्टोरी, तो आप जाके लाजमी से चेकआउट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, और गपशप भी होगी और गेम भी खेलेंगे। तो जल्दी से क्या करते हैं, इस माइक को अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोफोन, और अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से अपने माइक को ओपन कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसकी ओपनिंग किस साइड से, क्योंकि हर तरफ से ही ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं इसको, इसमें से हमें 2 पोर्शन मिलते हैं बीच में, एक में जो है हमारा मेन कंपोनेंट जो कि है ये गोला टाइप हमारा माइक। ओके, तो इसको फिलहाल हम करते हैं साइड पे, और सेकंड जो हमारी इसमें चीज़ है बॉक्स के अंदर, ओके इसको नीचे से ही बाहर आने दें, क्योंकि इसके बॉक्स का मैंने आपको ऑलरेडी जैसे मेंशन किया है कि ये यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है आते आते, और हाँ इसमें एक पेपर वर्क भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर वर्क है, इसके बारे में, स्नोबॉल आइस के बारे में। एक्चुअली ये 2 होते हैं, एक स्नोबॉल आइस होता है और एक सिर्फ स्नोबॉल है। स्नोबॉल जो है उससे 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, इतना थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, और ये इतना है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड पर, एंड देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी वो ये वाला, इस पैकिंग में हमारे पास है ये एक USB केबल, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इस माइक को कनेक्ट करेंगे किसी भी कंप्यूटर, PC, लैपटॉप वगैरह के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर आपको मतलब काफ़ी दूर बैठना है, काफ़ी दूर से रिकॉर्ड करनी है वॉइस, तो फिर आप क्या करें कि कोशिश करें कि एक साथ एक्सटेंडेड जो है ये केबल जो है ये अलहदा से ले लें, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पर हमारा स्टैंड है जिसके ऊपर हम इसे माउंट करेंगे, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं स्टैंड। हम इसको बॉक्सेस को साइड पे करते हैं, इसमें से भी हम अपने माइक को निकाल लेते हैं बाहर, एक्चुअली मेन कंपोनेंट को, और इसको हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं। तो ये चेक करें, एक्चुअली ये माइक जो है ना काफ़ी मतलब पुराना है, मतलब 2015 में या उससे भी पहले का ये रिलीज़ हुआ है, लेकिन आज भी ये माइक यूज़ होता है, क्योंकि इसकी अपनी प्राइस रेंज की वजह से, क्वालिटी की वजह से, और इस चीज़ की वजह से ये मतलब काफ़ी बेस्ट है। सॉरी, मैं इसको गलत जगह पे लगा रहा था, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप इसके साथ क्या करें, कुछ कंपोनेंट खरीद लें, वो आपको 2000-2500 में पड़ जाएंगे, तो आपका एक पूरा जो है प्रोफेशनल माइक तैयार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको माउंट कर लेते हैं, एक्चुअली हमारा माउंट हो गया है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से क्या किया, माउंट कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लगाएंगे केबल इसके साथ, यहाँ पर हम पहले अपना माइक का जो स्टैंड है उसको माउंट कर रहे थे। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इस केबल को, अब थोड़ा सा मैं कैमरा को करता हूँ मूव, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह माउंट कर देंगे। तो अब हमने जिस तरह स्ट्रीम करनी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगी लुक।
तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो होगा ये सेटअप होगा, तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से होगी हमारी जो स्ट्रीम जब होगी तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पड़ा होगा और हमारी वॉइस को काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड करेगा। अब अगर आपको इसकी वॉइस सुननी है, वॉइस क्वालिटी सुननी है, तो आप हमारी स्ट्रीम आज रात को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कल सुबह से स्टार्ट करें तो सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब स्टोरी कम्युनिटी टैब देख सकते हैं, स्ट्रीम में हम इसी माइक का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने अपना जो हेडफोन है उनसे यूज़ किया था और उनका जो माइक है वो काफ़ी अच्छा था, कुछ ना कुछ नॉइस कैंसिलेशन करता था, बट फिर भी स्ट्रीम में वो वॉइस का क्रिस्प नहीं था, और वॉइस अगर क्रिस्पी ना हो तो स्ट्रीम का मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद, लाइक, चैनल पर तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।